खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। म्युनिसिपल कमेटी के बिला मुंतखब वाइस चेयरमैन नेमतुल्ला खान की मीडिया से गुफ्तगू, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुबारक हो, आप मंत्री चेयरमैन बन गए हैं, वाइस चेयरमैन और यहाँ पे सीट पे अपने वजह जमा है, क्या तजुर्बा आपका कहता है, क्या सोचा हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें ये इज्जत दी है। उसके बाद बल्दिया के जो मसाइल हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश है, सबसे पहले जो है हम पानी पे कोशिश करेंगे कि लोगों को जनक पीने का पानी पहुंचाए, ये हमारी पहली जो है ना वो चीज होगी। और बहुत सारे मसले हैं ना, नहीं मसले तो पूरा बल्दिया ही मसला है, समझा ना, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हमें इज्जत मिली है उसको करने के लिए शहरियों को जो है ना, जिन्होंने हम पे एतबार किया है, हमें वोट दिए थे, हमें काउंसलर बनाया, आज इस सीट पे हम पहुंचे हैं, मैं पूरे सांगढ़ का शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह ताला मैं ये उन लोगों से आज आपके जरिए ये वादा करता हूं कि इंशाल्लाह ताला हम उसको मायूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे देखो, आप बात की जा रही है, बुनियादी जो मसाइल होते हैं उनमें सफाई है, ड्रेनेज है, पीने का पानी है, वो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, और क्या समझते हैं आप, खाली अपने वार्ड तक महदूद होंगे या पूरे? नहीं, हम पूरे सांगढ़ तक महदूद हैं, खाली वार्ड तक नहीं है, ये सारे वार्ड हमारे हैं। वो कौन है? वो भी हमारे हैं, हम उन लोगों में से ही आए हैं, समझा ना, पूरा सांगढ़ हमारा है, हम एक एक के दरवाजे पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो उनके मसाइल होंगे उसे हल करेंगे। मसला बहुत ज्यादा है लेकिन ड्यूटी नहीं करता, ये तो मसला जो है बहुत पुराना मसला है, मैं खुद यहाँ पे रहा हूँ, मुझे पता है सारा कुछ, समझा ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन लेकिन क्या है कि अब इस निजाम को बदलने के लिए हमारे को जो है अपने स्टाफ से जो तावन करना पड़ेगा, इनकी मदद हमें दरकार होगी, अभी ये हमारी मदद करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। मशीनरी तो जो आपकी सारी तबाह है, आपका फायर ब्रिगेड नहीं है, आपकी मशीनरी तबाह है, तो स्टाफ तो वो तो देखो ना, वो तो मैं इस चीज को तस्लीम करता हूँ कि इस वक्त जो है बल्दिया जो है वो जीरो पॉइंट पे खड़ी है, बल्दिया में कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ट्रैक्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम बाहर निकाल के किसी कचरा उठा लें या कोई काम कर लें। ये मैंने अपने एमएलए साहब को भी कहा था, मेरी मीटिंग हुई थी उससे, मैंने उसको ये कहा था कि सही, आपने तो हमारे को जवाबदारी दे दी कि जाके शहर में काम करो, लेकिन मैंने बोला किस चीज पे करें, सीएमओ साहब से पूछें कि उसके पास किसी भंगी को एक झाड़ू है देने के लिए। अब क्या है कि ये मसले सब हमारे सामने है, मैं मसलों से पहले गुजरा हूँ, मुझे पता है इन चीजों का। अब जो है जो उन्होंने इतमाद जो किया है ना देवर साहब ने मुझ पे, मशीनरी जो दी आपको इमाम साहब ने, वो इंशाल्लाह हम चलाएंगे, उसके लिए हमने बात की है कराची, हम वहां से बंदे बुला रहे हैं और ये मशीनें हम निकालेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। चाहे एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, आपको बड़ा होल्ड है पूरा सिंध के अंदर, तो क्या समझते हैं कि सूबाई हुकूमत आपके साथ शहर के हवाले से क्या इकदाम उसके लिए करेगी, क्या आपके लिए वहाँ पे डिमांड्स होंगी? सही, हम अभी तो जो है हम लोग आए हैं, डिमांड्स तो हमारी बहुत है, लोगों की नहीं, 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 पहले कुछ था, पहले भी यहाँ पे आपका होल्ड था? नहीं, हमारा होल्ड नहीं था, पहले हमारा नहीं था, हम अपना होल्ड अब समझते हैं कि आज हमने हलफ उठाया, आज से हमारा होल्ड है, आज से अगर कोई कोताही होगी हम आपको भी बिल्कुल खुले अल्फाज में कहता हूँ कि आप जो है हमारी रहनुमाई करें, अगर किधर गलत है हम हमारे को जो है ना बिल्कुल आप ओपन करें, इस जगह पे आप गलत। इस वक्त देखो ना, आपके यहाँ पे बल्दिया में बहुत से डिपार्टमेंट है, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ 5 आदमी जो है वो बल्दिया चलाते हैं, आपका अकाउंट बराबर नहीं, वो चीज खत्म हो जाएगी, वो जो आप समझ रहे हो वो मैं भी समझता हूँ उस बातों को, वो मैं सब समझता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो चीज नहीं होगी, समझा ना, बल्दिया आप जैसे लोग आवाम चलाएगी, बाकी जो है ना वो कोई चलाएगा, हर महीने जो है कोई भी ऑफिसर होगा उसको हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या खर्च किया, क्या आया क्या नहीं आया, और आगे मैं क्या खर्च करूंगा, देना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा क्या चीज हिसाब का? नहीं, उसको हमें देना पड़ेगा, आवाम को देना पड़ेगा, तो फिर आप किसको देंगे? हाँ, आप लोग, हम हमारे जो बड़े हैं हम लोग उनको देंगे, पूरा ऐसा देंगे ईमानदारी से इंशाल्लाह ताला, कोशिश पूरी होगी। अच्छा। लेकिन ईमानदारी तो जो है अभी वो तो अल्लाह की जात है,
वो कर सकता है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम इस निजाम को सही करें, ईमानदारी से चले। सांगर के आवाम को कितना टाइम दिया करेंगे आप? मैं तकरीबन 24 घंटे दूंगा, जिस टाइम भी मुझे जो है ना आवाम बुलाएगी। हाँ जी, यहाँ दरवाजे खुले रहेंगे, मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, इधर के भी खुले, मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं उनके लिए। चैम्बर में बैठे हुए हैं जी, यहाँ का समाज अब सारा चोरी हो गया है, तो क्या वापस रिकवर होगा? नहीं, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, मतलब नहीं, वो हमने पीछे वाली कहानी छोड़ दी है, तो पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब जो आज से जो होगा ना, उसका आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। अच्छा, उसके लिए आपके आज से मेरे स्टाफ को वार्निंग दे रहे हैं? नहीं, मैं किसी को वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, ये स्टाफ मेरा है, मैं इनके साथ रहा हूँ, इनके साथ छोटा बड़ा हुआ हूँ। अब ये स्टाफ ही मेरे हाथ मजबूत करेगा। अच्छा, ये स्टाफ मेरे साथ चलेगा। पहले नहीं काम करेगा, क्या काम करेगा? करेगा, जब आप पहले जो है ना, जो उनकी सहूलियात थी, जो उनकी जरूरियात थी, किसी ने उनको दी नहीं, जब उनको हर चीज मिलेगी तो वो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कौन कहता है स्टाफ काम नहीं करता? काम करेगा, हर बंदा अपना काम करेगा, हर बंदा अपना काम करेगा, हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, इंशाल्लाह ताला किसी की मदाखले नहीं होगी, नहीं होगी। बाकी जो आपने सवाल किया था कि चेकबुक जो गाड़ी में होती है, चेकबुक वाली चेकबुक बल्दिया में होगी, अकाउंट ब्रांच में पड़ी होगी, आप किसी टाइम भी आके उसको देख सकते हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो है फाल होंगे इंशाल्लाह। हिसाब तो बड़ा ईमानदार से जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ जो है ईमानदारी से होगा, कोई वो चीज नहीं होगी।